अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक, एक नए अनवान और एक नई मालूमात के साथ मैं आपकी तरफ हाजिर हूँ। तो बच्चों, आज हम एक अहम शख्सियत के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, इनके हवाले ज़िंदगी देखेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तस्वीर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, उम्मीद है आप सब इनको जानते होंगे, इनका नाम भी आपको पता होगा। कौन है ये? ये वो इंसान है जिन्हों की मेहनत और लगन से ये पाकिस्तान जो है कायम हुआ। हमारे बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। तो बच्चों, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कायदे आज़म कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनका बचपन क्या था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और कितनी मेहनतों के बाद उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ हम कुछ उर्दू से मुतल्लिक नए अल्फाज भी सीखेंगे। तो आते हैं अपने इस सबक के ख़ास अल्फाज या नए अल्फाज से मुतल्लिक जो हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। इसमें पहला लफ्ज़ है ज़हीन, लगन, मेहनत, कब्ज़ा, अज़्म, ताकतवर, कायद, दर्सगाह, हिंदुस्तान। अपने सबक की तरफ आते हैं, अपने उनवान की तरफ। तो बच्चों, कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जना था, लेकिन वो मशहूर अपने लकब से हुए थे। उनको ये लकब क्यों मिला था ये मैं आपको इस सबक के आखिर में बताऊंगी। इसलिए तो ये सारी वीडियो आपने तो बच्चों से सुननी भी है और समझनी भी है। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जना था, वो कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म यानी कि मोहम्मद अली जना कहाँ पैदा हुए? वो कराची में पैदा हुए। आप बचपन से बहुत ज़हीन थे, छोटे थे तभी से आप बहुत ज़हीन थे और बहुत मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करते थे। जैसे अक्सर बच्चे शरारती होते हैं, मेहनत तो बच्चों से नहीं पढ़ते, लेकिन मोहम्मद अली जना ऐसे नहीं थे। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे और बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से अपनी पढ़ाई करते थे। इसी मेहनत की वजह से उन्होंने लंदन की सबसे आला दर्सगाह से डिग्री हासिल की और वकील बने। बच्चों, ये कोई आम बात नहीं है कि लंदन से जाके डिग्री हासिल करना और वकील बनना। ये इस बात का सबूत है कि आप बहुत ज़्यादा ही ज़हीन इंसान थे, ज़हीन के साथ साथ मेहनती भी थे। इस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। हिंदुस्तान जिन्हें हम इंडिया भी कहते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इकट्ठे रहते थे। लेकिन पर उसके ऊपर जो हुकूमत करता था, उनके ऊपर जो हाकिम था, हेड था, वो अंग्रेज़ थे। मुसलमानों को अपने दीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी, ना ही अंग्रेज़ उनको अपनी आज़ादी से जीने देते थे और ना ही हिंदू। हम आज़ादी से नमाज नहीं पढ़ सकते थे, हम रोज़ा नहीं रख सकते थे, हम अपनी ईद जो हमारे त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, वो नहीं मना सकते थे। तो हमारे लिए वहाँ पे आज़ादी नहीं थी। कायदे आज़म ने मुसलमानों को एक ऐसा मुल्क दिलाने का अज़्म किया जिस पर किसी पर जुल्म ना हो। तो फिर कायदे आज़म ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा मुल्क, ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे सिर्फ मुसलमान हो, जहाँ पे वो आज़ादी से नमाज भी पढ़ सकें, रोज़ा भी रख सकें, अपने त्यौहार भी मना सकें और अपनी बाकी चीज़ें भी आज़ादी से कर सकें। उनके ऊपर किसी का डर खौफ ना हो, कोई उनको नुकसान पहुँचाने वाला ना हो और कोई उन पर जुल्म करने वाला ना। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी ज़ात के छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना और उनके लिए कुछ ना कुछ करना, और यही ज़िंदगी का असल मकसद भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस ख्वाब को सच करने के लिए
قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ اب یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ آپ دیکھیں، ایک گھر بناتے ہیں، ایک مکان بنتا ہے، اس کو بنانے میں کتنی مشکلیں آ جاتی ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تو ایک ملک بنانا تھا، ایک ایسی جگہ بنانی تھی جہاں پہ مسلمان علیحدہ رہ پائیں، تو ان کو بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال کی محنت اور قربانیوں کے بعد پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے اس خواب کو سچ بنانے کے لیے محنت کریں۔ تو بیٹا، میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ قائد اعظم کا اصل مطلب کیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس سبق کے اینڈ میں بتاؤں گی۔ تو قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، راستہ دکھانے والا، اعظم مطلب بڑا۔ تو قائد اعظم ہمارے بہت بڑے رہنما تھے، جنہوں نے ہمیں الگ ملک بنانے کے لیے ایک راستہ، طریقہ سمجھایا جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے اپنا ملک حاصل کیا۔ تو اسی وجہ سے ان کا نام محمد علی جناح سے کی بجائے قائد اعظم، ایک بڑے رہنما کے نام سے قائد اعظم ان کو لقب دیا گیا، اور اسی لقب سے وہ مشہور ہوئے۔ آگے آتے ہیں، اس سبق کے نئے الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے نئی معلومات تو سیکھی ایک شخصیت کے بارے میں، اب ہم کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ذہین، لگن، محنت، قبضہ، عزم، طاقتور، قائد، درسگاہ، مشکلات، پاکستان، سچ، خواب، ہندوستان، وطن، فلک، ڈگری۔ اس دور میں ہندوستانوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا، اور قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اب آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ہوا ہے، آپ کو کیا کیا معلوم تھا یا کیا کیا نہیں معلوم تھا، تو مجھے کمنٹ کر کے آپ ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتائیں گے۔ ہر سبق کی پڑھائی کے ساتھ میں آپ کے لیے کچھ مزے کی سرگرمیاں بھی لے کر آتی ہوں کرانے کے لیے۔ تو ہم آپ کریں گے واو اور نون گنا لگا کر جمع بنائیں، جیسے نام سے نامو، واحد اور جمع بنانے ہیں۔ جیسے کہ مثال پہ یہ ایک پین ہے، تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اور یہ دو پین ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ ایک واحد ہوتا ہے اور دو جمع ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو پہلا ہے مسلمان، مسلمانوں، کام، کاموں، قربانی، قربانیوں، انگریز اور انگریزوں۔ نیچے آتے ہیں دوسری مشق کی طرف، محنت، محنت سے کام کرو، ذہین، احمد ذہین بچہ ہے، طاقتور، شیر طاقتور جانور ہے۔ قائد اعظم، اب ہم الفاظ معنی کی مدد سے مشکل الفاظ کے مطلب جانیں گے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نمبر ایک لکھیں گے ہم ذہین۔ ذہین کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار، جو سمجھدار ہو۔ نمبر دو، لگن، محنت، از ارادہ، مطلب ہمارا کچھ سوچ لینا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کو عزم کہتے ہیں۔ درسگاہ، تعلیمی ادارہ، ایک جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں، اور اس کو درسگاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کوئی اسکول ہو سکتا ہے، کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے، کوئی کالج، یونیورسٹی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر پانچ، قائم ہوا، بننا یا وجود میں آیا کسی چیز کا۔ اسی طریقے سے ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ کراچی، پہلا لفظ، میں کراچی سیر پر گئی۔ پیدا، میں جنوری میں پیدا ہوئی، بچپن،
आयशा बचपन से ही शरारती थी। बहुत से बच्चे बचपन में शरारती होते हैं। शरारती होना बुरी बात नहीं, लेकिन तमीज़ के साथ। आज़ादी आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मेहनत मेहनत से काम करो। जिस लफ्ज़ का हमने जुमला बनाया है, जुमलों में वो लफ्ज़ ढूंढ के उसके गिर्द हम बबल बना देंगे। पैदा बचपन, आज़ादी और मेहनत। तो जुमले बनाना मैंने आपको कुछ सिखा दिए, तो कुछ अल्फाज मैं आपको दे रही हूँ, बच्चे अपनी मेहनत से खुद बनाएंगे ताकि उनको जुमले बनाना भी आ जाए। नंबर 6, ख्वाब, जो हम सोते हुए देखते हैं। सच, सच्ची बात। मुल्क, जहाँ हम रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। पढ़ाई, हमारा पढ़ना, ज़हीन, समझदार। इन लफ्ज़ों के आप जुमले खुद बनाएंगे। अब सवालात के जवाबात की तरफ आ जाते हैं कि कायदे आज़म का असल नाम क्या था। जैसे कि हमने अपनी किताब में पढ़ा था कि कायदे आज़म का असल नाम, जल्दी से आप अपने जहनों में सोचें कि हमने क्या पढ़ा था। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा था कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। तो बच्चों, हमारा जवाब क्या हुआ? कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। तो हमने अपने मेन आंसर को बबल बना के हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आते हैं, पाकिस्तान कब कायम हुआ? तो बच्चों, कौन बताएगा कि पाकिस्तान कब कायम हुआ? हम अपने सबक में एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं, और कुछ बच्चों को तो याद भी हो गया होगा। जो बच्चे ज़हीन और होशियार होंगे वो जल्दी से मुझे जवाब बता देंगे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। तो हमारा जवाब हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। हमारा अगला सवाल है, कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। कहाँ हुए थे? कराची में। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? कायदे आज़म ने क्या सोचा था? कायदे आज़म ने सोचा था कि पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम अपने कायद के इस ख्वाब को सच करें। लेकिन कैसे? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम मेहनत लगन से पढ़ लिख कर अच्छा बनाया जा सकता है अपने मुल्क को। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको माजरत कायदे आज़म से मुतलिक मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। आपने वो भी बातें जानी होंगी जो आपने पहले से नहीं जानी हुई होंगी। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की ये नई मालूमात, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ही ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी शख्सियत से मुतलिक मालूमात और अदाब ज़िंदगी गुजारने के तरीके आपको बता सकूं। तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए काम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।